नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एस्कॉप डीएक्स लेके बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी का जो वेदर है अप्रैल जून जुलाई, तो इन महीनों में एक बीमारी सबसे ज़्यादा आम होता है जो कि हर घर में दिखाई देता है, वो है आपका कफ एंड कोल्ड, उसके बाद एलर्जी या फिर आपका ड्राई कॉफ का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर दिखाई देता है इन महीनों में। तो बहुत सारा दवाई होता है मार्केट में कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है, उसी तरीके का एक दवाई है जो कि एस्कॉप डीएक्स है। कौन कंपनी इसको बनाता है, साइड इफेक्ट वगैरह हर चीज़ लेके मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा एसडीआर टीवी चैनल में, मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, एस्कॉप डीएक्स जो कंपनी इसको बना रहा है उसका नाम है आपको लेबोरेट, और ये 100 ml का होता है। तो इसमें सिर्फ आपका ड्राई कॉफ नहीं, उसके साथ आपका एलर्जी कॉफ, यानी कि आपको कुछ भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रहा है, डस्ट एलर्जी या फिर आपको घर में आपका वेदर से रिलेटेड कोई या फिर पानी से रिलेटेड कोई भी आपका जो एलर्जी होता है, एलर्जी रिलेटेड कॉफ होता है, उसमें भी आपका इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ आप इसे ड्राई कॉफ में यूज़ कर सकते हो, ड्राई कॉफ यानी कि जो सर्दी वगैरह होता है उसके साथ कॉफ होता है। आप रात में सोने के टाइम में सिर्फ आपका खोखी हो रहा है, उसके बाद कॉफ आपका नहीं निकल रहा है, सिर्फ ड्राई कॉफ हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों, अगर आपको ठंड भी लग रहा है, तो दोस्तों इसके साथ जो मैं बोल रहा था कि इसके साथ ड्राई कॉफ के साथ और एक चीज़ आपको जैसे महसूस होता है पेशेंट को कि उसको ठंड लगना है, तो ये कॉफ का भी एक सिम्टम होता है, तो इस सिचुएशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ होता है जो कि ज़्यादातर दिखाई देता है जिनको कॉफ की प्रॉब्लम है या फिर ड्राई कॉफ या फिर आपका एलर्जिक कॉफ, तो इस सिचुएशन में इसोफेगस इन्फेक्शन होने का एक चांस होता है। इसोफेगस इन्फेक्शन यानी कि आपका थ्रोट इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, जैसे टॉन्सिल वगैरह, ठीक है, थ्रोट में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सिचुएशन में शॉर्ट थ्रोट जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए भी आप एस्कॉप डीएक्स यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल दिया गया है, जो कि एक है आपका डेक्सोमेथरफेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ दिया गया है क्लोफेनामिन मैलेट। तो डेक्सोमेथरफेन इसमें है आपका 10 mg में और क्लोफेनामिन मैलेट है 4 mg में, ठीक है, और ये टोटल एडल्ट के लिए, छोटा बच्चे के लिए नहीं है। तो अगर आपको लेना है, तो जब आप ये ले रहे हो तो आपका डोजेस किस तरीके से होगा वो आपको डॉक्टर बता देगा, या फिर आप जब केमिस्ट से ले रहे हो तो केमिस्ट आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से इसका डोजेस को आपको लेना है। और इसका जो MRP है दोस्तों, इसका MRP है 93.50 पैसा, तो 90 रुपये इसका दाम है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसको लेने के बाद अगर आपको नींद जैसा इस तरीके का अगर कुछ लग रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपसे, तो आप इसे बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें कोडिन फ्री है, इसमें कोई कोडिन नहीं दिया गया, क्योंकि एस्कॉप का जो ओरिजिनल जो एस्कॉप होता है, ये तो एस्कॉप डीएक्स है, जो एस्कॉप होता है उसमें कोडिन दिया रहता है, तो इसमें एक कोडिन नहीं है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे, अच्छा लगने से चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीआर टीवी, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, हैव ए नाइस डे।